जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत थे, विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाएं, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, मंगलवार का दिन 26 अक्टूबर, शिव योग अद्रा नक्षत्र, आज राहु शुक्र और शनि का प्रभाव, चंद्रमा की छाया बृहस्पति और मंगल की दृष्टि, अद्रा नक्षत्र शिव योग में राहु शुक्र शनि, कोई बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला शुक्र राहु शनि का प्रभाव, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि, चंद्रमा की छाया, शिव योग में तुला राशि वालों के लिए बड़ा सौभाग्य और लाभ का योग लेकर आया है। क्योंकि आज ये राहु और शनि शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है, जबकि राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और शनि सुख स्थान में। राहु और केतु शनि के अनुचर ग्रह हैं, यानी शनि जैसे जैसे आपके जीवन में अपना प्रभाव दिखाते जाएगा, राहु शनि के अनुसार ही अपना रूप बदलता जाएगा। चूंकि सुख स्थान में शनि बृहस्पति के साथ बैठा है, जब सुख स्थान में बृहस्पति शनि के साथ गोचर करता है तो आपके जीवन में सफलता और कामयाबी मिलती है, उन्नति होता है, पराक्रम बढ़ता है, शनि जीवन में सुख देने लगता है। जब शनि सुख देता है तो राहु शनि के अनुसार अपना परिणाम देता है। क्योंकि आज शुक्र जो शनि और राहु पर भारी है, शुक्र धन स्थान में केतु के साथ बैठा है, जबकि राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। यानी अगर आप अपने जीवन में पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके जीवन में सुख बढ़ेगा। अगर आप आलसी हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कष्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि अद्रा नक्षत्र में ऐसा ही होता है, राहु शनि और शुक्र जब आप अपने जीवन में पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके जीवन में सुख और धन बढ़ता है, अचानक आपके जीवन में लाभ होता है, आप भाग्यशाली बनते हैं, यशस्वी वैभवशाली सद्गुण से पूर्ण सुखी जीवन, सुंदर शरीर, चतुराई से लाभ, अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हुए, जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना, अपने जीवन में लाभ और उन्नति प्राप्त करना। आज तुला राशि वालों के लिए दिन बड़ा खुशनुमा होगा, क्योंकि राहु शनि और शुक्र आपकी कुंडली में शनि का बृहस्पति के साथ सुख स्थान में गोचर करना, राहु का अष्टम भाव में और शुक्र का केतु के साथ द्वितीय भाव में, यानी धन के घर में शुक्र बैठा है जबकि सुख के घर में शनि है, और जीवन के कष्टों से मुक्ति देने वाला राहु अष्टम भाव में बैठकर आपके जीवन के कष्ट को दूर कर रहा है। सूर्य और मंगल जो लग्न में बैठा है, आपके भाग्य को चमका रहा है, सफलता दे रहा है, कामयाबी और सुख, आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति,
परिश्रम के साथ चतुराई करते हुए आज आप आगे बढ़ेंगे। स्त्री के साथ संबंध बनाने में भी आप इच्छुक रहेंगे, क्योंकि शुक्र के साथ राहु का भी प्रभाव है। अपनी महत्वाकांक्षा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति, साहस, कठोर परिश्रम यानी जीवन का आनंद, जीवन का सुख, अपने मेहनत से लक्ष्य की प्राप्ति, ये समय हर तरह से शुभ है। तेज बुद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व, राहु शुक्रे शनि के कारण यानी आज आप संसार जीतने का साहस रखते हैं। आज आप शासन करने में सामर्थ्य हैं। आज आप विजेता बनेंगे। समृद्धि और धन आपको आकर्षित करेगा। जीवन में हर प्रकार का सुख है, सुखों का भोग, उन्नति का योग, मन में चंचलता, जीवन में सुख है। जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा। जो भी पाना चाहेंगे आज आप पा सकते हैं। धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, रिश्ते बेहतर होंगे। अपने अनुभव के अनुसार किसी नए काम की शुरुआत, कोई नया व्यवसाय, कोई नई नौकरी जिसमें आपको उन्नति का योग, तरक्की का योग, सुख और धन कमाने का योग मिलेगा। ये समय आपके लिए बड़ा सुख समृद्धि लेकर आया है। आज का दिन बेहतरीन है। कार्य में रुचि बढ़ेगी, अपने अच्छे समझ से अपने जीवन में आप मन लगाकर काम करेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी, खुद पर गर्व महसूस होगा। आज ये परिवार का साथ मिलेगा, बेहतर दिन है, अच्छे परिणाम, परिवार में सुखद वातावरण, दंपत्य जीवन में मधुरता, प्यार, मन की उलझने दूर होगी। जीवन की समस्याओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुख समृद्धि, सफलता यानी अपने जीवन में आपको खुशी भी मिलेगा, शुभ समाचार भी मिलेगा। घर का माहौल खुशियों से भरा होगा। धन लाभ के कई अच्छे अवसर मिलेंगे। सोचे हुए काम तीव्र गति से पूरे होंगे। आज तुला राशि के भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। जीवन में खुशहाली आएगी। सुख संपत्ति उन्नति के लिए समय शुभ है। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति मंगल की दृष्टि। मंगल जो लग्न में सूर्य के साथ बैठा है, बृहस्पति जो सुख स्थान में शनि के साथ बैठा है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। कोशिश करते रहें, अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। अपनी महत्वाकांक्षा, उच्च अभिलाषा, आत्मविश्वास सुखद परिणाम लाएगा। सुंदर परिणाम, उन्नति का योग, तरक्की का योग यानी आज आपके उमंग उत्साह में वृद्धि होगी। आज का दिन भाग्य प्रबल है, धन दौलत से परिपूर्ण। शिव योग अद्रा नक्षत्र में राहु शुक्र शनि का प्रभाव, बृहस्पति मंगल की दृष्टि। तुला राशि वालों के लिए लाभ, संपत्ति, उन्नति का योग, धन का योग, सफलता का योग, नौकरी व्यापार में बड़े बदलाव, बड़े लाभ, सुंदर आकर्षक भाग्योदय का योग, पराक्रम से धन, धन से खुशी यानी आपके जीवन में सुख भोगने का उत्तम समय आरंभ हो गया है। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 26 अक्टूबर मंगलवार का दिन
कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शिव योग अद्रा नक्षत्र, राहु शुक्रे, शनि का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि। दिन की शुरुआत सुबह 4:47 से 5:38 का समय, ब्रह्म मुहूर्त में शुक्र के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से दिन की शुरुआत होगी। ऊर्जा प्रदान करने वाला राहु, जीवन में सौभाग्य समृद्धि सुख देने वाला शुक्र, जीवन में शांति उन्नति और आनंद के साथ दिन की शुरुआत। सुखद माहौल में अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आकर्षक व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली, आज का दिन सफलता के तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लापरवाही ना करें, किसी से झूठा वादा ना करें, किसी को तकलीफ ना दें। आज आप थोड़ा भावुक होंगे, अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखें। परिवार की खुशी धन से बड़ा होगा। भाग्य का साथ जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करेगा, तरक्की के नए रास्तों को खोलेगा। ये समय आपके लिए बड़ा सुंदर है। तो सुबह 4:47 से 5:38 ब्रह्म मुहूर्त में आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जो लाभ की स्थिति बनाएगा, सुख देगा, समृद्धि और सौभाग्य देगा। अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:27। इस दौरान आपके जीवन में अनुकूल परिवर्तन होंगे। कार्य में सफलता का प्रबल योग है। उन्नति के द्वार खुलेंगे, सोच समझकर कदम उठाएं। विजय मुहूर्त 1:57 से 2:42। कार्य में सफलता, जीवन में सुख, धन का लाभ, लाभ की स्थिति। विजय मुहूर्त 1:57 से 2:42। मन में अच्छे विचार आएंगे, आप नई नई योजना बनाएंगे, अपने जीवन में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। सफलता का अवसर मिलेगा, सुख का योग बनेगा। अमृतकाल शाम 7:54 से 9:42। अमृतकाल में अद्रा नक्षत्र में बृहस्पति मंगल की जो दृष्टि होगी, शनि राहु शुक्र का जो प्रभाव होगा, आपके जीवन में तेजी से आपको सक्सेस देगा। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, अपने काम पर फोकस रखना है, मेहनत करना है, अपने आत्मविश्वास से अपने जिम्मेवारियों का एहसास करते हुए काम करने की कोशिश करें। समृद्धि सुख, विजय और लाभ का योग बनेगा। आज का राहु काल दोपहर 2:53 से 4:17। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। शिव योग अद्रा नक्षत्र मंगलवार का दिन, राहु शुक्र शनि का प्रभाव, बृहस्पति मंगल की दृष्टि, चंद्रमा की छाया। दिन की शुरुआत उत्तर दिशा की तरफ से ना करें। आपके लिए लकी कलर नीला होगा, लकी नंबर 3 होगा। तो आज अद्रा नक्षत्र शिव योग में तुला राशि वालों के लिए जीवन का सुख, लाभ, धन उन्नति, समृद्धि और सौभाग्य, आनंद, सुख, यानी अपने जीवन में खुशी, धन, अपने इच्छाओं की पूर्ति, आपके जीवन में लाभ का योग, सफलता का योग, कामयाबी का योग। मेहनत करते जाएं, ग्रहों का गोचर आपको तेजी से सफलता की ओर आगे लेकर जाएगा। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का आशीर्वाद, राहु शुक्र शनि का प्रभाव आपके जीवन में खुशियां बढ़ाएगा, उन्नति तरक्की देगा, भाग्योदय, दुख संकट को दूर करेगा। आपके जीवन में स्त्री से अच्छे संबंध बनेंगे, व्यवहार से खुशियां मिलेगी, मेहनत से सफलता, जीवन का सुख, लाभ और धन का योग। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें।
अपने जीवन में लाभ और धन, अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करें, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी मिलेगी। तो ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय।